हैलो सत श्री अकाल सारे महफिल टीवी देख रहे दर्शकों। लो जी दिवाली का दिन आ गया आ, तो बड़ा जल्दी जल्दी सारे दिन बीतते जाते हैं, सारे दिन त्यौहार जोड़े वो लंघते जाते हैं। तो अज इस दिन त्यौहार दुशियां असी दुगना चौगना करने के लिए तो इंडिया वाला पंजाब वाला माहौल दिवाली के मेले का माहौल उसनों वेखन के लिए असी अज पहुंचे हैं जी गिल स्वीट फैक्टरी, जिहदा नाम तुसी हमेशा महफिल मीडिया के नाम नाल सुनते रहते हो। कोई भी साडा ईवेंट होवे, कोई फंक्शन होवे, किते भी होवे, उत्थे जिहड़ा मठियाई हुंदी आ जां फिर मिठे पान दा जिहड़ा चस्का कह दिए वो हमेशा ही गिल स्वीट फैक्टरी वालों लाया जाता हैगा। सो अज फिर तो असी पहुंचे हाँ जी गिल स्वीट फैक्टरी। एक बार एड्रैस तुहाडे नाल शेयर कर लाँ, 2131 विलियम पार्कवे यूनिट नंबर 3 ब्रैम्पटन दे विच हैगा जी, एयरपोर्ट एंड विलियम पार्कवे की इंटरसैक्शन हैगी आ। तो बस थोड़ा जिहा सबर बना के रखना पैना, तो जल्द तो जल्द दिखाते हैं कि उत्थे मठियाइयां किदां दीआं रेडियां हुई हुई ने, कि उत्थे माहौल हैगा। आसा पासा तुसीं देख सकते हो कि पार्किंग जिहड़ी हैगी आ फुल हैगी आ, तो लोगों की आवाजाही बड़ी लगी हुई आ। सो एक मेला जिहड़ा हैगा तुहानूं देखण नूं मिल रहा हैगा। सो जुड़े रहो जी साडे नाल, दिखाते हैं जी थोनू गिल स्वीट फैक्ट्री के अंदर जो मठियाइया का मेला लग्या हुआ। सत श्री अकाल जी सारे महफिल मीडिया के दर्शकों, एक बार फिर तो दस दिए कि अज असी पहुंचे हैगे गिल स्वीट फैक्ट्री, जिथे कि हमेशा की तरह दिवाली का जो मेला है वो रौनक देखने खूब मिलती ने। सो साडे नाल मौजूद ने गिल भाजी आप, तो असी उन्होंने गलबात करते हैं कि दिवाली का माहौल किदा चल रहा है, किदा सारिया तैयारियां हो रही ने, तो किदा साढ़े जिहड़े पंजाबी कम्यूनिटी जां होर कम्यूनिटियां ने कितना सहयोग मिल रहा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। भाजी अज दिवाली का दिन जिहड़ा 2 दिन रह गया दिवाली आउण नूं, ते बड़ियां खूब रौनकां लग्गियां होईयां ने, जिद्दां देख सकदे आ असीं पहलां वी साडे दर्शकां नूं दिखा चुके आ, ते काफ़ी ज़्यादा मठियाइयां जो रंग बिरंगियां दिख रहीयां ने। हुण दिल तां मेरा करदा कि पहलां इंटरव्यू छड्ड के मैं मठियाइयां दा आनंद माणा, पर साडा काम वी जरूरी आ। सो थोड़ा जिहा दस्सो कि मेले दा माहौल जिहड़ा किद्दां चल रिहा हैगा, किद्दां सारिआं दा सहयोग मिल रहा है। मैं गिल स्वीट फैक्टरी वालों धर्म सिंह कंग, साड़ी ये फैक्टरी अज असी 7वां मिठाई मेला लगाया है, तो इत्थे लगभग साढ़े को 80-85 किस्म की मिठाई लगी हुई है, तो जिहड़ी मिठाई है प्योर खोए की आ, खास करके साढ़े जिहड़े 6-7 साल तो जिहड़े साडे कस्टमर उन्हां दी डिमांड आउंदी है कि सानू इह जी मिठाई चाहीदी है, असीं उन्हां दी डिमांड दे हिसाब नाल अज्ज कि मिठाइयां बहुत वधिया बनाईआं ने। साडे जिहड़े कारीगर ने पुस्त दर पुस्त कारीगर उह इही कम करदे आ रहे ने, ते काफ़ी वधिया रिस्पोंस मिल रहा लोकां तों। अज्ज अपना दूजा दिन, 2 दिन होर रहि गए ने, ते मिठाइयां लगभग बहुत ज़्यादा लग रहीआं ने, ते लोकां दा बहुत वधिया ब्रैम्पटन तों होर बाहरों आप विंडसर तो मॉन्ट्रियल तो होर कैम्ब्रिज तो किचनर तो बहुत जगह बाहरों बाहरों भी मतलब मिठाइया लैन लोग आ रहे ने, ते असी काफ़ी इन्हां लोगों का भी अपने जिहड़ा साडे बिजनेस नूं सपोर्ट कर रहे ने, ते सानूं सपोर्ट कर रहे ने, असी उन्हां दा बहुत ऋणी रहांगे हमेशा उन्हां दा जिहड़ा उत्साह देख के। बिल्कुल। तो मठियाइयां बारे मैं दसदा कि जिदा सारा इकट्ठ देख के पता लग ही रहा भी लोगों को किन्ने ज़्यादा पसंद आ रही ने, तो जिदा ट्रेया खाली हो रही फिलअप हो रही ने, उस तो भी पता लग रहा है कि मठियाइयां किन्नी वधिया बनिया। जिहड़े असीं स्टॉक भी असीं इसे पैटर्न से बनाया हुआ कि पहले दिन का जो स्टॉक आ वो कल जो फिर फ्रैश स्टॉक लग रहा, दिवाली वाले दिन फिर फ्रैश लग रहा, मतलब सारे ड्यूटियां बंडिया पईआं ने, महीना हो गया सानू सारे जिन्हें भी साडे इंपलाई ने साडे फैमिली मैंबर ने इवन रिश्तेदार ने एकजुट हो के असी हमेशा मठियाई मेले नू कामयाब करते हैं, तो काफ़ी वधिया रिस्पोंस मिल रहा जी। बिल्कुल। ते क्योंकि मैं कहनी इत्थे व्याह जिन्ना चा चढ़िया रहिंदा वी दिवाली आने वाली है, तैयारियां कर रही बिल्कुल, ते जिन्ना इकट्ठ इत्थे होया होया मैनूं देख के लग रहा हैगा कि जी तुहानूं हुण टाइमिंग भी थोड़ी वधा देनी चाहीदी आ, 2 दिन मेले दे दिनां नूं देख के लोग डिमांड तां कर रहे ने, लेकिन साडा जिहड़ा टाइमिंग असीं पहले दिन तों ही इह रख्या होया कि प्रोफेशनल लैवल रख्या होया, जिहड़ा 8 तों 8 आ तां असीं 8 बजे जिन्ने कस्टमर ने उह एंटर कर जाणगे जी। अज असीं सैटरडे तो संडे 8 तों 9 हुंदा वी साडा बिजनेस आवर, अज 9 बजे तक हैगे आ, संडे तो मंडे जिहड़ा वो साडा 8 तों 8 ही असीं रख्या होया, क्यों साडे जिहड़े होर इंपलाई ने वो भी थक जाते हैं, 12-12, 14-14 घंटे शिफ्टां ला रहे हैं, कोई आ रहा तो कोई जा रहा, रात वाली शिफ्टां अड्ड लग रही ने,
इस तरीके काफ़ी वधिया चल रहे हैं। इतने ना एक गिल स्वीट जो भी आते हैं एक ना देसी घ्यो जलेबियां की हमेशा चर्चा रहती है। हाँ जी, तो इस बार भी जरूर बनिया हो मैं दर्शकों साढ़े दसना चाहनी हाँ कि गिल स्वीट फैक्ट्री समोसे तो जलेबियों के लिए खास जानी पहचानी जाती है। तो हूँ थोड़े घर भी दिवाली पर मेहमान आने रिश्तेदार आने जो स्नैक्स तुम देने ने तो मेरे ख्याल देसी घ्यो जलेबियों तो वध वधिया इस वेले होर कुछ हो ही नहीं सकता। सो होर कि मिठाइया ने तो बाकी रेस्टोरेंटा नालों यह जहाँ की अलग आप कह सकते कि जिदे करके साडे दर्शक इत्थे ही पहुँचे। वैसे जिमें अपने साढ़े जिम 70-80 किस्म की मिठाइया ने लेकिन वो जो 10-15 किस्म दिठाइया खोए की बर्फी जी मिल के कलाकंद दिल बहार बेसन अपनी पंजाबियों की शान होंगी नाले तो देसी घ्यो जलेबियां हो गई ये मतलब 15-20 आइटम इन रनिंग आइटम ने वो बनी जाए तो मुक्की जाए तो साड़ी जिहड़ी साढ़े को लोग आना पसंद करते हैं वो मेन कारण है कि साढ़े कोई भी चीज़ यही नहीं कि साड़ी 15 दिन या 20 दिन या महीने की है साड़ा फ्रैश है जिहड़ा भी साड़ी मिठाई बन रही है पूरी फ्रैश है। इस करके लोग लाइक करते हैं कि फ्रैश मिठाई लैके आपके रिश्तेदारों को ईवन देखो हैल्थ कॉन्शियस आप अपना छड़ के अपना इंडिया छड़ के पंजाब छड़ के आए हैं तो जे आप हैल्थ कॉन्शियस ना रहिए तो मैं प्राउडली ये गल कह सकता कि अपने किसी चीज़ में आप निंदे नहीं लेकिन मैं इन्ना मतलब कह सकता कि इंडिया नालों भी उरे अपनी जी मिठाई है प्योर है किसी भी किस्म की कोई मिलावट नहीं बहुत सुचजे ढंग नाल जिहड़ियां अपनी कनेडा की गौरमेंट दी इंस्ट्रक्शन ने उन्हों असी फॉलो करते हैं किहड़ा टैंपरेचर किन्ना होना चाहिए की किवें होना चाहिए असी सारी चीज़ फॉलो करके ही बनाते हैं तो काफ़ी वधिया रहता जी। ये भाजी एक ना होंगे भी कई लोग कहें भी मठियाई जी हैगी दिवाली तो जो किसी ने गिफ्ट दें कई लोग नहीं इन्ना मिठे के शौकीन होंगे तो किसी को जो तुम रिश्तेदारी भी जाते हो मिठाई की जगह आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लैके जाने वक् वक् किस्म के डब्बे तैयार किए होंगे वह भी इतने अवेलेबल ने बहुत ड्राई फ्रूट सवेर तो बिक रहे हैं जी ड्राई फ्रूट डब्बे ने तो मतलब बहुत वो हम ड्राई फ्रूट डब्बे की गल कर रहे हाँ जी जिहड़े ड्राई फ्रूट के डब्बे तो फैंसी ने थोड़े वर्ग बच्चे लाइक करते हैं लेकिन जो वो ड्राई फ्रूट ने वो भी असी फ्रैश मंगवा के ड्राई फ्रूट भी असी फ्रैश मंगवा के किया। दूजी गल जो फिर मिठाई से आ गए हाँ जिहड़ी साडी मिठाई आ ये एक किस्म का हरेक बंदे दा बिजनेस चलाउण दा सीक्रेट हुंदा की सीक्रेट आ। चलो हुण आपां गल करते हैं खाने वाले तो बहुत मतलब मास्टर ने गुणी ज्ञानी लोग भी फूड खाते हैं उन्होंने पता हुंदा है कि ये फूड दे विच की आ। तुसीं ब्रैम्पटन दे विच टोरंटो दे विच जिहड़ी मिठाई की दुकान ते चले जाओ मैं एक गरंटी नाल कहदा कि साडी जिहड़ी मिठाई आ उन्हां सारियां मिठाई दुकान नालों साडा मिठा घट होगा असी मिठा उन्ना ही यूज़ करदे जिन्नी कि मिठाई जुड़ जावे जे आपां नहीं पावांगे जुड़ूगी नहीं लेकिन साडा ये नहीं कि मतलब मिठा पा के ही असी मिठाई बेचनी है ये साडा कोई मकसद नहीं है। इस करके ही लोग साडी मिठाई नूं पहल दे रहे हैं लोग हुण बाहर जाते नहीं ब्रैम्पटन के लोग साडे कोल ही आ रहे हैं। ये आ देखो जिमें मेला चल रहा अज जिमें सोल्ड आउट टाइप हो रहा काम उस तो बिना फैक्ट्रियां दे ऑर्डर साढ़े 15 दिन हो गए जा रहे हैं कोई 200 डब्बा कोई 150 डब्बा कोई 50 डब्बा जिमें जिमें अगले दी मतलब मैंबरस है वो काफ़ी बॉक्सिस जा रहे हैं जिन्होंने लोगों को वंडने ने तो वो प्री ऑर्डर ट्रेया के ट्रे ऑर्डर हो रहे हैं ईवन थानी केटरिंग बहुत जा रही है बिल्कुल चने भटूरे बहुत जा रहे हैं हरेक चीज़ के मतलब साड़ी पूरी टीम हरेक पासे मतलब तैयार बर तैयार खड़ी है। बिल्कुल इस करके क्योंकि जेडे कस्टमर एक बार इतने आ गए मैनू नहीं लगता वह कित होर वापस जाएंगे जो अगले साल की वेट ही करेंगे कि असं गिल स्वीट फैक्ट्री जाइए क्योंकि एक तो थोड़ी हैल्थ के लिए भी सारा कुछ मद्देनज़र रखते हुए मिठाइया बनाई जाती ने दूसरा देसी घ्यो तो खोए के प्योर ही मिठाइया बनाई जाती ने तो तीसरा यह भी है कि तुम आ के इतने तुम 2 मिनट बोर होने की लड़ नहीं क्योंकि स्टाफ इन्ना ज़्यादा आ ना तो इतने लंबी वेट करनी पेगी थोनू सर्व करने के लिए इतने कोई ना कोई जरूर रेडी मिलेगा ते प्रॉपर इंतजाम किए गए ने तो अजे भी असीं थोड़ा कस्टमर साढ़े इनकनवीनियंस हो रहे हैं जिहड़ा ये एरिया है साडा ये आपने बैंकेट हॉल बना रहे हैं ओके अजे अंडर कंस्ट्रक्शन करके ही मतलब सारा मतलब चल रहा है तो मतलब अगले साल तक साढ़े 2-3 महीने कंप्लीट हो जाना फिर असीं होर बैटर सर्विस देवांगे ये असीं प्रोमिस करते हैं आपके सारे कस्टमर नाल जिन्ना तुसीं इनकनवीनियंस होए हो उहदे वास्ते असीं सॉरी भी मनते हैं अगे नूं होर बैटर सर्विस दिया करांगे। बिल्कुल ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आप जे किसी ऑनर वालों कह दीए क्योंकि कोई भी आपदा नहीं ये चीज़ मानता नहीं है
फिर भी जो इन्ना ज़्यादा खुश हो के कस्टमर भी जा रहे हैं फिर भी आप हमेशा निम के खड़े रहिए मेरे ख्याल उस तो वधिया एक ऑनर दे विच होर कोई जड़ी क्वालिटी नहीं हो सकती। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि 2131 विलियम पार्कवे 3 नंबर यूनिट आ जी ब्रैम्पटन दे विच लोकेशन हैगी आ विलियम पार्कवे ते एयरपोर्ट रोड की इंटरसैक्शन हैगी आ तुसी उत्थे जरूर पहुँचो ते जे कोई होर जानकारी तुहानू चाहीदी हैगी आ तां तुसी उन्हां नू कॉल भी कर सकते हो 905-799-2616 दे उपर ते तुसी होर कोई साडे दर्शकां नू सुनेहा लाउणा चाहुंदे हो दिवाली दी मुबारक महफिल मीडिया दे सारे दर्शकों अपना हाथ जोड़ के थोड़ा दिवाली दिया बहुत बहुत मुबारकबाद दिना जिमें आप अपनी कहावत अपने पिंड की दाल रोटी घर की दिवाली अमृतसर की असं आप देश छड़ के उरे आए हुए हैं लेकिन असी फिर भी अपने मिठाई के नाल अपनी मिठास बंटते हुए अपने जिन्हें भी रिश्तेदार जिन्हें साडे कस्टमर ने सारियां नूं यही अरजोई करते हैं परमात्मा सारियां नूं चढ़दी कला विच रखे हमेशा खुश रखे उन्हां दे परिवार चढ़दी कला च रहन ते दिवाली दीआं खुशियां मनाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बिल्कुल जी इस तरह जुड़े रहो ते नाल दी नाल आप ट्राई करांगे इत्थों दे कुछ कस्टमर्स नाल भी गलबात करन दी ते असीं गिल स्वीट फैक्ट्री वाले नूं भी बहुत बहुत वधाई दिंदे आ कि इन्हां ने एक जिहड़ा कार्ज लिखिया हैगा कि इत्थे सब नूं इकट्ठे करन दा ते इक सब नूं वधिया ते मिठा सुनेहा देण दा सब दे खुशियां नूं चार चन लाउण दा। सो इह इन्हां दा कदम जिहड़ा इन्हां ने लिखिया परमात्मा इन्हां नूं होर तरक्कियां देण तंदरुस्तियां बख्शन तां कि इदां ही वधिया मिठे ते शुद्ध मठियाईयां जिहड़ियां हैगियां ने जां होर पकवान जिहड़े हैगे ने वो साडे दर्शकां साडे लोकां तक पहुँचाते रहन। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडा। थैंक यू सो मच।